अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो यार आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जस्ट आपने जिस किस तरह से आपका जो वेरिफिकेशन कोड है आपका ट्विटर का वो प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह से आपने सॉल्व करना है। आपको मुकम्मल अकाउंट क्रिएट करना और इसका वेरिफिकेशन अकाउंट जो वेरिफिकेशन है सारी अकाउंट की इसी वीडियो में मिलने वाली। जिस तरह मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है वी सेंड यू अ कोड, ये ऑप्शन आता है और आपको वो कोड नहीं आता, आपको मैसेज में शो नहीं होता और आप वो लगा नहीं पाते और आपका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं कम्प्लीट होती। तो सारी डिटेल्स इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। जो जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो वैसे भी काम चल जाता है। तो जस्ट आपने प्ले स्टोर से अपने जो ट्विटर का जो ऑफिशियल ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल तो आपने वैसे कर लिया होगा, आपने बस क्रिएट कर लिया होगा अपना अकाउंट और वेरिफिकेशन का आपको प्रॉब्लम। तो जैसे ट्विटर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्रिएट अकाउंट पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं, तो जैसे हमने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दिया तो मेरे सामने ये ऑप्शन शो हो जाएगा, एक लैंग्वेज का लिखा हुआ है। मैंने अभी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जो मेरी लैंग्वेज है उसको मैंने सिलेक्ट करके इंटर कर दिया और मेरे सामने ये इस तरह का जो नेक्स्ट करने पर ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं अपना नेम दे दूंगा और यहाँ पे आपने भी अपना नेम लिख देना, जो भी अपना जो यूजर नेम लिखना चाहते हैं जो भी। यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर डाल दूंगा और फोन नंबर डाल देता हूँ जल्दी से। यहाँ से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने के बाद मैं सिंपली इसको कर दूंगा नेक्स्ट पे। यही सारी डिटेल्स आपने दे देनी है। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म्स को कर देना ओके और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ से फिर ओके साइन अप पे क्लिक कर दे। तो ये था सारा क्रिएट करने का अकाउंट, ये बिल्कुल दो स्टेप हैं, ये आप कर सकते हैं। तो बस यहां तक तो बात थी आपका अकाउंट को क्रिएट कैसे करना, ये छोटी सी डिटेल आपने देने के बाद आपने अकाउंट को कर लिया क्रिएट। तो ऑप्शन जो हमारे पास जो है मसला जो है वो है हमारे वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो वेरिफिकेशन का मसला कैसे हल होगा, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ऑथेंटिकेट योर अकाउंट। तो मैंने ऑथेंटिकेशन पे जस्ट कर देना है क्लिक और जैसे एक कैप्चा है उसको मैंने फिल कर देना है। तो जैसे मैं कैप्चा को जल्दी से फिल कर देता हूँ तो हमारे ये कैप्चा का जो फोटो आ रहा है उसको कर दिया मैंने ओके और मेरा जो अकाउंट है हो गया ऑथेंटिकेट। यहां पे अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा जिसको हमने देखना है, वी सेंड योर कोड, जो हमें कोड नहीं आ रहा, इसका जो मेन मुद्दे की बात है इस पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो हां यहां पे मुझे उन्होंने मैसेज कर दिया है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ। मैं अपना जो प्रॉब्लम है यही आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहां पे मैं रीसेंट मैसेज पे आऊंगा, यहां पे मैंने रीसेंट मैसेज पे देखा तो ये भी मेरे पास रीसेंट में भी मुझे मैं देखूंगा तो कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ। तो जस्ट आपने अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद जस्ट आपने वहां पे सेटिंग में जाने के बाद एप्स एंड नोटिफिकेशन पे जाके क्लिक कर देना है। यहां पे मैं जो ट्विटर है उस पर क्लिक कर लेता हूं और यहां मैं परमिशंस है जहां पे शो हो रही है यहां पे मैं कर लूंगा क्लिक और यहां पे जितनी भी परमिशंस है, कैमरा, कॉन्टेक्ट, लोकेशन, मैसेजेस, माइक्रोफोन, फोन स्टोरेज, जो भी है सारी मैं ट्विटर को अलाउ कर दूंगा। जो कोड का जो मसला इसलिए नहीं आ रहा था कि मैंने उसको अपनी जो परमिशन थी वो नहीं दी हुई थी, जिसकी वजह से जो मेरा वेरिफिकेशन अकाउंट है जो कोड है वो मेरे नंबर पे नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने सारी इनको जो परमिशन प्रोवाइड कर दी हैं तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा तो मुझे वेरिफिकेशन कोड आ गया होगा। तो जैसे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ से थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद मैं आपको सारी डिटेल दिखा देता हूँ। ये देखें मुझे जो वेरिफिकेशन कोड है वो रिसीव हो गया है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट को वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर आपका यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस तरीके से अपनी जो सारी परमिशंस है उनको लॉग कर दो। यहां पे मुझे पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है, यहां पे मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा और अपने अकाउंट को सिक्योर कर लूंगा। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, अगर कोई क्यूरी था मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।